नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। देखिए बिहार में बिहार एसएससी के द्वारा ग्रुप डी का आपका लगभग 50,000 पद पर भर्ती आने जा रहा है। आखिर इस भर्ती को कौन कौन भर सकता है, क्या नोटिफिकेशन है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। इसमें एज कितना मांग रहा है, कब तक ये भर्ती आने की संभावना है, इस वीडियो में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तथा जो साथी मेरे चैनल पर नए होंगे बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए इस नोटिफिकेशन को हम अपना टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे, जिसका लिंक कमेंट में दिए हैं, आप मेरा टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम वीडियो में आपको एक एक चीज पूरा डिटेल से बताने वाले हैं क्या नोटिफिकेशन है। उसके लिए एक और चीज़ है कि बिहार के सभी एग्जाम के लिए किरण पब्लिकेशन के तरफ से बिहार ऑल एग्जाम समान अध्ययन सोल्ड पेपर आया है, आप इसे ले सकते हैं क्योंकि बिहार एग्जाम के लिए स्पेशल है। इसी तरह से इसका रीजनिंग का भी बुक है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बिहार ऑल एग्जाम मैथ रीजनिंग के लिए है, उसको भी ले सकते हैं। तथा समान ज्ञान का जो किरण का एनसीईआरटी का वन लाइनर बुक है आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इस बुक को भी ले सकते हैं। अब नोटिफिकेशन पढ़ के आपको एक एक चीज जो भी कंफ्यूजन होगा वो सभी कंफ्यूजन को आपको दूर कर देंगे। और ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ जो है आपका टेलीग्राम चैनल टॉपर्स एकेडमी बिहार जो कमेंट में लिंक दिया गया है वहां पर डाल देंगे, आप भी देख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, एक एक चीज को बारीकी से पढ़ के आपको बता रहे हैं। देखिए लिखा है पत्रांक 23 नियुक्ति 01/29, ठीक, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, प्रेषक डॉक्टर बी राजेंद्रन सरकार के प्रधान सचिव, सेवा में सभी अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव बिहार पटना, ये लेटर जो है उसको पढ़ रहे हैं। लिखा है सभी परमंडलीय आयुक्त बिहार, सभी जिला पदाधिकारी बिहार के पास ये लेटर भेजा गया है। ये पटना दिनांक 19/10/2023 का आपका लेटर है। विषय क्या है, किस विषय पर इसको लाया गया, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के स्नातक स्तरीय तथा इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा कार्यालय परिचारी विशिष्ट कोटि 4 यानी ग्रुप डी के रिक्त पदों की अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में ये सभी जिला प्रमंडलीय तथा जिला अधिकारी को नोटिस भेजा गया है कि आपके कार्यालय में बिहार एसएससी के द्वारा कितने ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट खाली है, कितने इंटर स्तर का पोस्ट खाली है तथा कितने ग्रुप डी यानी चपरासी या परिचारी जो बोलिए उसका पोस्ट खाली है। तो देखिए आपका इंटर लेवल का तो भर्ती आ चुका है 12,199, ठीक उसी टर्म में आपका बिहार एसएससी सीजीएल भी आने जा रहा है और बिहार ग्रुप डी भी आने जा रहा है। अगला क्या है ध्यान से पढ़िए, देखिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना का पत्रांक 18/750 दिनांक 5/10/2023, पत्रांक 18/753 दिनांक 5/10/2023, ठीक। उसके बाद लिखा है महाशय उपयुक्त विषय प्रगणनीय पत्र के संदर्भ में कहना है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हो कि आयोजन की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन संख्या जो 01/23 लिखा है प्रकाशित किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियां अंकित की गई है। उक्त विज्ञापन से वर्णित है कि प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अधियाची विभागों की संशोधित अथवा मतलब ये बताया जा रहा है कि आपको इंटर स्तरीय भर्ती आ चुका है जिसमें कर्मचारी का पोस्ट है, पंचायत सचिव का पोस्ट है, ठीक, उसके बाद LDC और बहुत तरह का पोस्ट है। और ठीक उसी तरह से आपका इस नोटिस में बताया गया है कि आपका CGL यानी बिहार स्नातक स्तरीय जो कर्मचारी चयन आयोग होता है उसका भी भर्ती बहुत जल्द आने जा रहा है क्योंकि बिहार में इस बार नौकरी की बौछार है। अगला क्या है आपके ग्रुप डी से संबंधित, ग्रुप डी से संबंधित यह है उल्लेखनीय यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना 17/975 दिनांक 22/9/2023 द्वारा बिहार परिचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2023
अधिसूचित किया गया है कि जिसके अनुसार कार्यालय परिचारी परिचारी विशिष्ट कोटि चार के रिक्त पदों पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति की कार्रवाई प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। इसमें लिखा गया है कि बिहार जो ग्रुप डी का भर्ती आ रहा है वो भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से कराया जाएगा, किसी भी तरह का डायरेक्ट भर्ती नहीं होने वाला है। बहुत अच्छी बात है कि इसमें मिनिमम भी सैलरी लगेगा तो आपका 25,000 के करीब में लगने वाला है और ये आपका प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगा, बिहार एसएससी इसको कंडक्ट कराएगा, इसलिए ये भर्ती आपके लिए जीवन में बहुत अच्छा है। उक्त क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 18/2/15 दिनांक 6/9/2019 के सभी जिला विभागों में इसके लिए उससे लिस्ट मंगाया गया है कि आपके यहाँ कितना ग्रुप डी की यानी लेवल जो मतलब आपका वर्ग चार जिसे बोला जाए या ग्रुप डी बोलिए उसकी पोस्ट कितना खाली है, उसकी डाटा आप देने की कष्ट करें, इस चीज़ में ये बताया गया है। अगला है कि विविध हो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय को भी परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया गया है, यानी जो पिछला ग्रेजुएट लेवल बिहार एसएससी भर्ती था उसका रिजल्ट आ चुका है। अब जितना भी आगामी चतुर्थ स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित किए जाने के रिक्त पदों पर भी रोस्टर मंगाया गया है और ये सभी मुख्य सचिव जितने भी जिला अधिकारी हैं सभी के पास भेज दिया गया है। अब इससे ये चीज़ का अनुमान कन्फर्म हो चुका है कि बिहार में ग्रुप डी की भर्ती बहुत सालों के बाद आने जा रही है और ये भर्ती इतनी ज़्यादा आएगी कि सोच नहीं सकते हैं। न इसके लिए आपको इंटर पास की ज़रूरत, न ग्रेजुएशन पास की ज़रूरत, न कोई टेक्निकल डिग्री की ज़रूरत, न कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत। तो ज़रूरत है तो क्या है, इसके लिए आपको मात्र 10वां पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मात्र आप 10वां पास हैं तो आप इस भर्ती को इजीली रूप से भर सकते हैं। ये जो आपका भर्ती है कम से कम अगर आने जा रहा है तो 50,000 कितना लगभग 50,000 पोस्टों पर भर्ती आने जा रहा है, इसकी सूचना आपको 1 से 1.5 माह के अंदर बहुत जल्द मिलने जा रहा है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जिस लेवल में तैयारी कर रहे हैं अगर वैसे ही तैयारी करते रह गए तो बिहार में जैसे भर्ती आ रहा है आपका नौकरी पक्का होगा। और आप सभी इस चैनल के साथ बने रहिए, हर चीज़ इस चैनल पर आपको ऑफिशियली रूप से अपडेट दिया जाता है क्योंकि ये चैनल बिहार के लिए सबसे विश्वसनीय चैनल है और ये दुर्गा पूजा का आप समय चल रहा है, आप सभी पूजा के बाद तुरंत जुड़ जाइएगा। बिहार पुलिस बिहार एसएससी दोनों क्लास दुर्गा पूजा के बाद चालू होने जा रहा है सबसे अलग अंदाज में, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है एकदम बेफिक्र होकर बिहार की तैयारी कीजिए। जीके जीएस मैथ रीजनिंग एकदम स्ट्रांग कर लीजिए क्योंकि जीके जीएस मैथ रीजनिंग यही चार ऐसा चीज़ है कि बिहार के हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कंफर्म है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, इससे संबंधित कोई अपडेट होगा तो आप सभी टेलीग्राम चैनल जो कमेंट में लिंक दिया गया है उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।